तो भगवान दोस्तों मैं कलावा देता हूँ मिलने वाले हैं इधर अभी रसम शादी का जो रसम है अभी होगा जो दूसरे को आनंद लेने दो तो आनंदित नहीं होते ना मैं अभी बैठा हूँ देखते हैं कब तक होगा कितने तक होगा मैं बोल गया हूँ नहीं तो 15 मिनट घड़ी का भी मेरे सुपर फास्ट रूम में सब आप सब जानते हैं कि पंडित जी 110 वाला मर्यादा बहुत तेज है। हाँ मैं सब जानता हूँ मुझे कौन ठीक मानता है और कौन वैसे मानता है कि अंदर की बात जानते हैं हम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो वीरभद्र जी है आप शादी में जो जो रस्म होता है वो सब रस्म होगा सब कुछ दिखाया जाएगा। वीरभद्र भी सुनो नंदी जो घोट घोट के खिलावे वीरभद्र जी भी साथ रहते हैं भोले रहे दोनों पावर है नंदी धर्म का अवतार है। दोस्तों 1 बज गया है और रस्म अभी चल रहा है उनके विवाह का जो पूरा रस्म है वो चलेगा और अभी मैं घर चला गया था जब अपना जैकेट लेने के लिए क्योंकि मारे ठंडा है और इधर जो है मंदिर है ठीक है और फिर जगह बैठूंगा और ये सुबह तक चलेगा उसका मैं वीडियो दिखाऊंगा और अभी 1 बज चुके हैं ठीक है। फोटो देखी होगी आपने एक ही शक्ति है आदि तो तारक सिमैया जी चुकी हुई सब लोग चले गए और एक तरफ रह गए अभी यहाँ पर तो दोनों एक स्वरूप होते हैं इसका मतलब है पति पत्नी ऐसे रहे जैसे भोले तारकती है और रुक्मणी कृष्ण जी है राम और सीता है। हमारे शास्त्र ये कह रहे हैं कि हम इनके हिसाब से चले अपने मन के हिसाब से नहीं जैसे कोई बात सुनी आई या मान लू बता दी अरे गीता तो नहीं पढ़ती हो रामायण जी रामचरित मानस अपने इसमें सारा लिखा हुआ है ज्ञान देते हैं नहीं ये शास्त्र हमारे कृष्ण है हमें बताना क्योंकि लिखा हुआ है विवाह पद्धति के जय फोटो मास्टर जी बड़े तरीके से अच्छे से फोटो लेना और आशीर्वाद दे दे और हाथ रहे दोनों पक्ष रखे दूल्हा पक्ष दुल्हन पक्ष और जो आरता वाली है वो ले जाए जिनने शगुन किया गठबंधन किया है और देवताओं के ढोक ढोल बरात विदा हरे ओम स्वस्ति नेन्द्रो ब्रह्मस्वाहा विश्वे न देवाये सतीश ये दूल्हे दुल्हन के ही होंगे मम्मी पापा को नहीं देने बेटा ठीक है। हाँ अपने से लेना जूस पीना चॉकलेट खाना वैसे तो आप तो अब वही ग्रस्त हो गए बच्चे रहेंगे पर फिर भी हम कोई अच्छा व्यंजन खा सकते हैं। तो अभी रुद्र अभिषेक होगा उसका मैं आपको दिखाता हूँ ये दोस्तों रुद्राभिषेक हो रहा है कुछ टाइम हुआ था वो अभिषेक था पर ये वाला रुद्राभिषेक है। नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय रामेश्वराय भोले रामेश्वराय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले धारा किसने पकड़ रखा है ये बताओ हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय Namah Shivaya, Namah Shivaya,
दूसरे का टच है जाओ सब मान बता एक दूसरे को पकड़ लो सारे जल्दी। शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोल शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हमारी मुराद कभी निकल रही है अभी रोड के ऊपर आ गए हैं और उधर मंदिर है ठंडा लग रही है भाई। ये भाई का लगे वाला जा रहा है और वो हमारे दो भाई लोग झंडा को दिखाते हुए देख लो ये रोड पैर को शाम को पूरी भरी हुई रहती है। इस टाइम बिल्कुल खाली रोड है मंदिर में आ गए हैं। चलो जी चलो चलो की जय। तो दोस्तों अभी घर जा रहा हूँ, 5 बजने वाले हैं और महादेव के पूजा पाठ करके बहुत अच्छा लगा, पूरी रात जागा। पहली बार जा रहा हूँ अभी घर। और दोस्तों कैसा लगा आपको? और पता नहीं वो नींद सारा भी बहुत टाइम हो गया है। और चलिए दोस्तों लाइक शेयर और महादेव के लिए महाशिवरात्रि था उसके लिए जितने भी महादेव के हैं जाने वाले उनको कसम है लाइक और कमेंट जरूर करें और महादेव हर हर महादेव जरूर लिखें कमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे। हर हर महादेव।